2019 में चंद्रयान 2 की मून पर अनसक्सेसफुल लैंडिंग के बाद की ये तस्वीर हम सबको याद है। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 इसरो का थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो 13 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला है। इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के सिवन की माने तो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में 615 करोड़ का खर्चा होने वाला है। चंद्रयान 3 के साथ एक लैंडर एंड एक रोवर होगा, जिसमें लैंडर का मकसद चंद्रमा की सरफेस पर सुरक्षित लैंडिंग करवाना एंड रोवर का मकसद चंद्रमा की सरफेस पर सुरक्षित चक्कर लगाना, ताकि चंद्रमा के सरफेस से जुड़ी नई नई जानकारी हमें मिले। क्यों इसरो चंद्रयान 3 के ऊपर 650 करोड़ का खर्चा कर रहा है? 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सरफेस पर सुरक्षित लैंडिंग की थी। तब इंडिया, चाइना, यूएस एंड रसिया के बाद मून पर लैंड करने वाला फोर्थ कंट्री बना था, जो भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दरअसल इसरो ने 14 नवंबर 2008 को मून इंपैक्ट प्रॉब को चंद्रयान 1 ऑर्बिटर से सेपरेट करके मून के साउथ पोल के ऊपर प्री प्लान क्रैश लैंडिंग करवाई थी। MIP मून इंपैक्ट प्रॉब APG अब्दुल कलाम के सजेशन पर डेवलप किया गया था। MIP दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका वेट करीबन 29 kg होता है। MIP अपने साथ हाईली सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोमीटर, हाईली सेंसिटिव वीडियो कैमरा एंड रडार एल्टीमीटर कैरी करता है। APG अब्दुल कलाम का मानना था चंद्रयान 1 मून के काफी नजदीक जा रहा है। मून इंपैक्ट प्रॉब के होने से हमें मून से जुड़े काफी साइंटिफिक जानकारी मिल सकती है, और वही हुआ। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए थे, जो एक मेजर ब्रेक थ्रू था इसरो के लिए। अभी तक इसरो ने चंद्रमा के सरफेस पर रोवर उतारा नहीं था। अभी तक जो भी हमको जानकारी मिल रही थी वो ऑर्बिटर से मिल रही थी। चंद्रयान 3 अपने साथ एक रोवर लेके जाएगा, और अगर रोवर की चंद्रमा के सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग होगी तो रोवर मून के सरफेस पर ट्रैवल करके हमें साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स देखने के लिए डू सब्सक्राइब QE Vlogs।